दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। मेरे यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972 सफलता का दूसरा नाम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं जुलाई माह के करंट अफेयर्स की नई डोज आपके लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र पाली, कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जैसलमेर और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बीकानेर। जरा आप सोच के बताइए उत्तर क्या हो सकता है। देखिए, आप अपने दिमाग में इसको देखिए कि उत्तर क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, यानी कृषि विज्ञान केंद्र पाली। दोस्तों, कृषि विज्ञान केंद्र पाली राजस्थान को कृषि के क्षेत्र का सर्वोत्तम पुरस्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान पुरस्कार भारत में कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार है। ये पुरस्कार कृषि विज्ञान केंद्र पाली को बूंद बूंद सिंचाई को बढ़ावा देने और खारे पानी से कई फसलें उगा करके कृषि क्षेत्र में मिसाल पेश करने के लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों, आपको मैं ये भी बता दूं कि पूरे भारत में कृषि जो क्षेत्र हैं उसमें 12 जोन बने हुए हैं। इनमें से कृषि विज्ञान केंद्र पाली जोन 2 में आता है। तो जोन 2 में भारत के 3 स्टेट हैं जिसमें राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है ये जोन 2 को प्रदान किया गया है। दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है, UNHRC का पूरा नाम क्या है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है शहरी नगरीय मानव अनुसंधान केंद्र, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, तीसरा है शहरी नगरीय हेरिटेज रिकॉर्ड कमेटी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सही उत्तर है इसका ब, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। दोस्तों, दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा करने का जो कार्य है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसके द्वारा किया जाता है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद की ही एक विशिष्ट एजेंसी है UNHRC, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। दोस्तों, अभी हाल ही में 9 जुलाई 2020 को इसका 44वां सत्र हुआ था, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता सज्जादे रजा ने POK और विशेषकर गिलगित बाल्टिस्तान में मानवाधिकार हनन और दुर्व्यवहार की जांच और इसके लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने के लिए एक आयोग बनाने का अनुरोध किया है। दोस्तों, आज का तीसरा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट खिलाड़ी जिसका नाम हाल ही में पंजाब सरकार ने वापस ले लिया है, इसके चार ऑप्शन है, नवजोत सिंह सिद्धू, हरभजन सिंह, ए और ब दोनों सही हैं और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ब, यानी हरभजन सिंह। दोस्तों, पंजाब सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए टीम इंडिया के अनुभवी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह का नाम नॉमिनेट किया था, जिसे हाल ही में उसने वापस ले लिया है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि इस पुरस्कार के लिए मुख्य रूप से पिछले 3 साल का अंतर्राष्ट्रीय परफॉर्मेंस देखा जाता है, जबकि हरभजन सिंह 2015 के बाद से राष्ट्रीय टीम में शामिल नहीं है। दोस्तों, मैं आपको और जानकारी देता हूँ, हरभजन सिंह टर्बनेट के नाम से मशहूर हैं और वे अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। भज्जी के नाम से मशहूर हैं, तो भज्जी ने टेस्ट में 417 और वनडे में 269 विकेट हासिल किए हैं। हरभजन सिंह भारत के लिए
अब तक 103 टेस्ट, 236 वनडे और 28 T20 मैच खेल चुके हैं। इन तीनों फॉर्मेट को मिलाकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 711 विकेट लिए हैं। दोस्तों चौथा प्रश्न है, हाल ही में HCL टेक्नोलॉजीज का चेयरमैन किसे बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है शिव नाडर, रोशनी नाडर, दिवाकर गुप्ता, सुमित शर्मा। इसका सही उत्तर है रोशनी नाडर, इसको नादर भी बोल सकते हो आप। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि HCL टेक्नोलॉजी भारत की एक प्रमुख IT कंपनी है और इस कंपनी का विस्तार दुनिया में 49 देशों में है। इस कंपनी के चेयरमैन थे शिव नाडर, जिन्होंने अभी हाल ही में और इसके चेयरमैन पद से त्यागपत्र दे दिया है। अब उनके स्थान पर उनकी जो पुत्री है रोशनी नाडर, उनको HCL टेक्नोलॉजीज का नया चेयरमैन बनाया गया है। दोस्तों 2018 में द हैबिटेट ट्रस्ट की स्थापना और रोशनी नाडर के द्वारा की गई थी। ये ट्रस्ट पर्यावरण संरक्षण और भारत की जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करने की दिशा में कार्य करता है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि फोर्ब्स जो मैगजीन है, उस मैगजीन ने जो दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की थी, उस लिस्ट में 18 और 19 में और रोशनी नादर जो है वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 54वें नंबर पे रही थी। और भारत में ये सबसे अमीर महिला मानी जाती है। दोस्तों आज का पांचवा प्रश्न है, दृष्टिहीनों के लिए मैजिक छड़ी का आविष्कार कर हाल ही में चर्चा में रहे BTech के छात्र हैं। तो इसके ऑप्शन है गर्वित पालीवाल, सुमित शर्मा, ए और बे दोनों, और चौथा है सुमित राजावत। इसका सही उत्तर है से, यानी ए और बे दोनों, यानी गर्वित पालीवाल और सुमित शर्मा। ये दोनों जो स्टूडेंट है ये BTech के स्टूडेंट हैं और उदयपुर राजस्थान के हैं। दोस्तों इन दोनों BTech के स्टूडेंट्स ने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए एक ऐसी मैजिक छड़ी का आविष्कार किया है जो उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। ये मैजिक छड़ी 7 फीट की दूरी से खतरे का संकेत देने लगती है, 4 फीट की दूरी से बीप की ध्वनि का संकेत देती है और 2 फीट की दूरी पर वाइब्रेट करके दृष्टिहीन व्यक्तियों को उसके निकट किसी चीज होने का आभास कराती है। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंगल ग्रह पर अपना सैटेलाइट भेजा जा रहा है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, सऊदी अरब और नेपाल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ए, यानी संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात कुछ दिनों में मंगल ग्रह के लिए अपना एक सैटेलाइट भेज रहा है। इस सैटेलाइट का नाम है होप, अच्छी तरह याद रखना, इस सैटेलाइट का नाम है होप। ये सैटेलाइट जापान के तानेगासीमा अंतरिक्ष केंद्र से H2A रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा, जो मंगल ग्रह के मौसम और उसकी जलवायु का अध्ययन करेगा। दोस्तों आज का सातवां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुनना अच्छी तरह। हाल ही में काजरी कृषि विज्ञान केंद्र पाली द्वारा खारे पानी से तैयार की गई नई किस्म का नाम है? इसका उत्तर देखिए, द सही है खारचिया। दोस्तों ये गेहूं की एक नई किस्म है और इस किस्म को हाल ही में काजरी कृषि विज्ञान केंद्र पाली द्वारा तैयार किया गया है, जिससे इस केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि काजरी जो है इसकी स्थापना 1959 में
जोधपुर में की गई थी। काजरी का पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं परीक्षा में, अच्छी तरह याद रखना। काजरी का पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान और ये राजस्थान जोधपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। दोस्तों राजस्थान में काजरी के चार क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं, अच्छी तरह सुनो। काजरी के राजस्थान में चार क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं, जैसलमेर में, बीकानेर में, पाली में और एक राजस्थान के बाहर है भुज यानी गुजरात में। तो तीन अनुसंधान केंद्र राजस्थान में है और एक अनुसंधान केंद्र गुजरात में है। इस प्रकार से टोटल काजरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो है वो चार हैं। इसके अलावा काजरी के कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं वो राजस्थान में दो हैं, एक है पाली में और दूसरा है जोधपुर में। तो इस प्रकार से काजरी के कृषि विज्ञान केंद्र राजस्थान में दो हैं, पाली और जोधपुर, और काजरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र ओवरऑल चार हैं और वैसे राजस्थान में जो हैं तीन हैं। दोस्तों अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हाल ही में स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शन देखिए 19 जुलाई, 18 जुलाई, 17 जुलाई, 16 जुलाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 16 जुलाई। अभी 16 जुलाई को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया था, ये इसका 92वां स्थापना दिवस था। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को शॉर्ट में बोलते हैं ICAR, ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी। तो कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देकर कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों का विकास करना इसका उद्देश्य है। इस परिषद के द्वारा राजस्थान में कृषि विकास के लिए तीन अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई है, अच्छी तरह याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तीन कृषि अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई है। पहला है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बीकानेर, दूसरा है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है प्रश्न, और तीसरा है केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर काजरी। तो इस प्रकार से ये तीन कृषि अनुसंधान केंद्र जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राजस्थान में स्थापित किए गए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के सरकारी मुख्य सचेतक कौन है? तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सीपी जोशी, कैलाश मेघवाल, महेश जोशी और डॉक्टर राजकुमार शर्मा। सही उत्तर है इसका महेश जोशी। दोस्तों मैं आपको सरकारी मुख्य सचेतक यानी सचेतक के बारे में विस्तार से बताता हूँ। देखिए सचेतक का मतलब होता है व्हीप, ठीक है। तो इस पोस्ट का यानी व्हीप कार्यालय का उल्लेख न तो भारत के संविधान में किया गया है और न ही संसद के नियमों में और नई संसदीय संविधि में किया गया है। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित होता है। दोस्तों प्रत्येक राजनीतिक दल का चाहे वह सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो सदन में अपना एक व्हिप यानी सचेतक होता है। उसे राजनीतिक दल द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है और यह आपको पता है कि सदन का नेता जो होता है वो केंद्र केंद्र सदन का नेता अलग होता है, राज्य विधानसभा केंद्र सदन का नेता अलग होता है, ये दोनों सदनों में होता है, ठीक है। तो उस सदन के नेता की सहायता करने के लिए और इसकी नियुक्ति की जाती है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखे और संबंधित मुद्दे के पक्ष या उसके खिलाफ पार्टी का सहयोग करे। वह संसद में या विधानसभा में सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है। सदस्यों के लिए माना जाता है कि वे व्हिप के निर्देशों का पालन करेंगे, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। तो अभी राजस्थान में जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें इस सचेतक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी।
महेश जोशी सरकारी मुख्य सचेतक हैं और इन्हीं के द्वारा जो है सचिन पायलट को और बाकी जो विधायकों को और मीटिंग में भाग लेने के लिए व्हिप जारी किया गया था। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, ब्रिटेन में गर्मियों की छुट्टी में जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में खाना देने की योजना का विस्तार कराने के लिए किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर के अभियान छेड़ा है। तो इसका ऑप्शन है मार्कस रैशफोर्ड, एंथनी यार्डे, लुइस हैमिल्टन और उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, यानी मार्कस रैशफोर्ड। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर से खेलने वाले फुटबॉलर हैं जो मैदान में अपने प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन हाल ही में ब्रिटेन में गर्मियों की छुट्टियों में जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त खाना देने की जो योजना थी उस योजना को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बंद करने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद इस फुटबॉलर ने आगे इस योजना को आगे जारी रखने की मांग को लेकर के और सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया था। उस अभियान का नाम था हैश मेक द यू टर्न। इस अभियान की वजह से ब्रिटिश सरकार को अपना ये डिसीजन वापस बदलना पड़ा। दोस्तों धन्यवाद। मेरे करंट अफेयर्स की नई डोज आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।